साथियों नमस्कार। फल सब्जी के उत्पादन में जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है उन कीटनाशकों की वजह से पिता बनने की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। जी हां साथियों, अमेरिका स्थित हार्वर्ड टीएच चेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन के आधार पर यह चेतावनी दी है। उन्होंने उच्च मात्रा में कीटनाशकों से दूषित फल और सब्जियों का सेवन करने वाले पुरुषों में शुक्राणुओं का उत्पादन 39% तक कम पाया है। जी हाँ साथियों, स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या में भी इन्होंने 32% की कमी दर्ज की है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पोषक तत्वों की कमी दूर करने और जानलेवा बीमारियों का खतरा घटाने के लिए नियमित रूप से फल सब्जी खाना बेहद जरूरी है। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल सब्जियों का सेवन बहुत जरूरी होता है। उन्होंने इसे गुनगुने पानी से धोने के बाद ही इसके सेवन की सलाह दी है। साथ ही इन शोधकर्ताओं ने करीब 5 साल तक किए गए इस रिसर्च में यौन उत्तेजना की कमी से जूझ रहे 1500 पुरुषों के खान पान का विश्लेषण किया, शुक्राणुओं के नमूनों की जांच कर उनकी संख्या व गुणवत्ता आंकी। परीक्षण में उच्च मात्रा में कीटनाशकों से दूषित फल सब्जी खाने वाले पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या 8.6 करोड़ पाई गई और थोड़ा कम मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग के द्वारा उत्पादित की गई सब्जियों और फलों के सेवन करने वाले पुरुषों में 11.7 करोड़ के करीब इन शुक्राणुओं की संख्या को उन्होंने पाया। तो साथियों ये कुछ उनके रिसर्च में मिला है। निरंतर पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव किस स्तर तक आ चुके हैं देखिए कि मनुष्यों की फर्टिलिटी यानी कि उनकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चा पैदा करने की क्षमताओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। तो साथियों आइए संकल्प लें इसी क्षण कि जैविक खेती की तरफ हम कदम बढ़ाएं और अपने किचन गार्डन और खेतों में जहां तक संभव हो सके जैविक और प्राकृतिक तरीके से उत्पादित उत्पादों का ही प्रयोग करें, जिससे हम ही नहीं वरन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बच सके। धन्यवाद एवं आभार साथियों। मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु, स्वस्ति।